आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। मुकद्दस लुका की अंजील 16वां बाब और उसकी 12वीं आयत की तलावत करेंगे। सेंट लुक चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 बाइबल टेल्स अस। मुकद्दस लुका 16वां बाब 12वीं आयत बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या आप सब तैयार हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुबारक जुबान से ये बात कही। बारहवीं आयत में लिखा है, और अगर तुम बेगाना माल, दो किस्म का माल होता है, एक अपना और एक बेगाना, तो यह अपने माल की बात नहीं, बेगाना माल की बात हो रही है। बेगाना माल का मतलब है किसी और की प्रॉपर्टी, किसी और का माल, किसी और का पैसा या कोई भी चीज। और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे, अब बड़ी खास बात है, बड़ी बारीक बात है ये। तो आपका अपना भी कुछ है जो आपको नहीं पता है। कई लोगों को पता नहीं है कि खुदा ने मेरे लिए क्या क्या रखा है, खुदा ने मुझे क्या क्या देना है, नहीं पता। और क्या करते हैं कि बेगाना का माल जो होता है उसमें हमें चेक किया जाता है, हमें चेक किया जाता है, और अगर हम उसमें दयानतदार ना ठहरे तो तुम्हारा अपना माल तुम्हारे हवाले कौन करेगा? करना तो उसने है ना जिसके पास है। ये तो सबका ईमान है ना कि वो ही देता है। रिस्क उसके पास है, बरकत उसके पास है, तरक्की उसके पास है, सरफराजी उसके पास है, और दौलत तो उसके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का, तो वो उसके पास है। लिखा हुआ है 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं, नरास्ति की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। नरास्ति की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। और यहां प्रॉब्लम है, उल्टा चल रहा है, उल्टा। जब पैसा आ जाता है ना तो मिलना जुलना बंद। हम नहीं मिलते गरीबों को, हम नहीं मिलते या गरीब खानदान को, हम नहीं मिलते इनको, हम नहीं मिलते। ओए कलाम पढ़ ले, समझ लग रही है? पढ़ ले, तेरे पल्ले कुछ आ गया, तेरे पर्स में कुछ आ गया, तेरे बैंक में कुछ आ गया, तू अमीर हो गया है, तूने मिलना जुलना बंद कर दिया है। बाइबल कहती है ना, रास्ते की दौलत से अपने लिए, तूने तो दोस्तों से भी सलाम दुआ बंद कर दी। यही होता है ना प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों के साथ, यही है सर। जैसे ही पैसा आ गया, अच्छा स्टेटस आ गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, तो फिर तुम बाय बाय टाटा, तुम कौन हम कौन, हमने मिलते इन गरीब लोगों से। ओए तू और सीधा हो जा, सीधा हो जा, नाराजगी की दौलत से और दोस्त मिलो, मिलो, और सिर्फ मिलो नहीं, उन पर खर्च भी करो, दोस्त पैदा करो। और हम इमसाल की किताब आप पढ़ लेना घर पे जाके, मालदार के बड़े दोस्त बन जाते हैं,
और मालदार उसके दोस्त बनते हैं जो खर्च भी करता है, कंजूस के नहीं बनते। तो यहां पर लिखा हुआ है कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, लेकिन यहां दौलत के बाद दुश्मन पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब है दौलत ठीक इस्तेमाल नहीं हो रही, यहां दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और दसवीं आयत में लिखा हुआ है जो थोड़े में थोड़े में, जो दस रुपए में ध्यानदार है ना, उस वो लाख में भी ध्यानदार ही है। जो दस में डंडी नहीं ना मारता, वो लाख में भी नहीं मारेगा। और जिसको गंदी आदत बचपन से पड़ेगी ना दस में डंडी मारने की, वो लाख में भी मारेगा। समझ लग गई? ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। लिखा जो थोड़े में ध्यानदार है वो बहुत में भी ध्यानदार है। बाइबल कह रही है जो थोड़े में ध्यानदार है वो बहुत में भी ध्यानदार है, और जो थोड़े में नहीं है वो ज्यादा में हो ही नहीं सकता। खुदावन तू मेरे अलाट ठीक कर दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। तू मेरे, अरे तू थोड़े में ठीक नहीं, तू 10,000 में ठीक नहीं ना, तू 10,00,000 में कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ये बाइबल कह रही है जो थोड़े में ध्यानदार नहीं, जो रोज का 1,000 रुपया कमाता है ना उसमें ध्यानदार नहीं है, तो वो दिन का 10,000 भी कमाए तो ध्यानदार नहीं होने वाला। इसलिए थोड़े में, लिटल बिट, जो थोड़ा सा हमें दिया गया है उसमें भी हमने क्या करना है, ध्यानदार बनना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर लोग गरीब ही क्यों रहते हैं हमारे, ये तरक्की क्यों नहीं करते, अमीर क्यों नहीं होते, ये आगे क्यों नहीं बढ़ते। वजह है कि जब हम बेगाना माल में ध्यानदार नहीं, असल तो मिला ही नहीं। असल मिलेगा तो अमीर बनेंगे ना। अब घर किसी का हो तो मेरा तो नहीं है ना, किसी की बिल्डिंग खड़ी हुई है, अमीर वो है, मैं थोड़ी हूं। जब मेरा मुझे मिलेगा फिर मैं अमीर बनूंगा। तो आपका भी है, आप देखे दुनिया में कोई गरीब पैदा नहीं होता है, नहीं नहीं, और नहीं पैदा होता कोई भी गरीब, सारे ही अमीर पैदा होते हैं। खुदावन ने दुनिया में जिसको भी पैदा किया है, कोई गरीब पैदा नहीं हुआ है, खुदावन ने सबको अमीर पैदा किया। कैसे? एक गरीब का बच्चा पैदा होता है, उसकी दो आंखें, दो पांव, दो हाथ होते हैं, होते नहीं होते, दिमाग होता है, मुंह होता है, होता नहीं होता। एक गरीब का बच्चा कश्मीर कॉलोनी गली नंबर 8 में पैदा होता है। उसकी भी दो हाथ होते हैं, उसकी भी दो आंखें होती हैं, उसके भी दो पांव होते हैं, तो इक्वल हुए ना खुदा की तरफ से, तो दोनों बराबर है ना। खुदा ने तो उसे अमीर को लग या गरीब को लग पैदा नहीं किया। ये नहीं हो कि गरीब को टुंडा पैदा कर देता, तू गरीब है, तेरी एक बाजू बहुत है, तू टुंडा जा, तू एक टांग लेकर जा, तू एक आंख लेकर जा, ऐसा तो नहीं है। तो फिर खुदा ने तो आपको दौलतमंद बना के भेजा है। अच्छा एक और बात सुने, जितनी महंगी आपकी आंखें उतनी महंगी अमीर की आंखें, या उसकी आंखों का रेट अलग लगता है। जितने महंगे उसके गुर्दे उतने महंगे आपके। खुदा ने वही गुर्दा उसमें डाला, वही आप में डाला, बाद में कुछ पान खाका के छालिया खाका के पथरी डाले वो अलग बात है। शराब पी पी के उसका सत्यानाश करते वो अलग बात है। खुदा ने तो बराबर डाला ना, दोनों में सेम ही है ना। तो फिर इसका मतलब है खुदा के नजर में जो भी दुनिया में आता है वो इक्वल है, इक्वल इक्वल है, बराबर है। तो खुदा की तरफ से कोई बेइंसाफी या नाइंसाफी नहीं है। आगे चल के दुनिया में हमने आगे स्ट्रगल करनी है। तीन चीजें हैं। नंबर वन, नॉलेज। आज दुनिया के पास नॉलेज बहुत है, फेल है। सिर्फ नॉलेज होने से बंदा फेल रहता है। इतना नॉलेज किसी बंदे को यहां खड़ा कर दो, बड़ा नॉलेज उसके पास, उससे पूछो वो बताएगा, अरे कलाम का पादरी को क्या पता, मैं बताता हूँ, शरीयत मैं बताता हूँ, यूनानी मैं बताता हूँ। अभी पिछले दिनों में एक बहन का फोन आया, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बहन ने अब लाहौर से फोन आया था, कहती है मेरा शोहर जो है वो पता नहीं कौन सी तंजीम में चला गया है, कौन से लोगों के पास चला गया है, अब वो किसी पादरी को ठीक नहीं समझता। मैंने कहा क्यों,
कह रही है, वो कहता है पादरियों को कुछ नहीं पता जितना मुझे नॉलेज है। तू गया, तू काम से गया है भाई। सिर्फ नॉलेज आने से तरक्की नहीं होती, घर के अंदर सुकून नहीं होता। बीवी परेशान है, बच्चे परेशान है, खुद परेशान है, घर में सुकून नहीं होता। बहुत सारे लोग नॉलेज इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। नॉलेज बहुत है, इतना इतना नॉलेज है, उनसे जो बात करो, उनसे आप सियारों की बात करो, वो साइंस का नॉलेज है उनके पास, उनसे आप जमीन की बात करो, जमीन का नॉलेज है, उनसे आप रिलीजियस बात करो, मजहब का नॉलेज है, उनसे आप जो है और किसी काम की बात करो उसका है, गाड़ी की बात करो गाड़ी का, हर नॉलेज है भाई। लेकिन बंदा बेकार है कंगला। नॉलेज बहुत है, मैंने देखा है, नॉलेज बहुत है मगर तरक्की नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है, सुकून नहीं है। तो ऐसे नॉलेज को आग लगाओ, ऐसा नॉलेज क्या करना है। तो नॉलेज है, नॉलेज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, बड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उसको भी पकड़, उसको भी पकड़, उसके साथ बैठ, उसके साथ बैठ, उस पादरी के साथ बैठ, उसके साथ बैठ, सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिया। नॉलेज आने से तरक्की नहीं होती है, इंफॉर्मेशन आने से तरक्की नहीं होती है। उसके बाद समझ भी जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, समझता भी है, बयान भी करता है सही, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं होती है। कई लोग हैं, अरे कमाल समझदार हैं, मगर घर का दरवाजा टूटा ही हुआ है। इतना समझदार है, घर का प्लग टूटा ही हुआ है, घर के अंदर पंखा खराब ही है, छत हर साल बारिश में पानी टपकता है, वो खराब ही रहने, तेरी समझ का क्या करें। और बातें करें, उससे ज्यादा कोई समझदार नहीं है, उससे ज्यादा कोई समझदार बातें करने में। तो सुन ले, नॉलेज इंफॉर्मेशन आने से और फिर अंडरस्टैंडिंग आने से कोई तरक्की नहीं करता है। नॉलेज आने से, बोले जरा, तरक्की नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आने से भी तरक्की नहीं है। सुन ले जरा, नबी ने एक बात कही है, नबी ने कहा कभी गलती मत करना, कभी गलती मत करना, क्या कि खुदावंद मुझे समझ आ जाए, मुझे कलाम समझ आ जाए, कभी समझ नहीं आएगा। खुदा खुदा है, खुदा को समझा नहीं जा सकता। नबी कहता है कलाम को समझा नहीं जा सकता, इसीलिए खुदा पर सिर्फ ईमान रखा जा सकता है, कलाम पर ईमान रखा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। कई निकले हुए हैं, मैं उसके पास धक्के खा के सवारे, तू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता, ईमान रख ले। तो ब्रदर बैनम ने कहा है, खुदा को समझ नहीं सकते, उस पर ईमान रखना ही बेहतर है। जो समझने निकले ना, वो अपनी समझ भी खो बैठे, जो समझने निकले वो अपनी समझ भी खो बैठे, सिर्फ उतनी समझ लगती है जितनी समझ वो देता है। मूसा ने कहा खुदावंद मुझे अपना आप दिखा, उसने कहा मुझे देख के कुछ जिंदा नहीं रह सकता, खुदावंद कुछ तो दिखा, तुझे सिर्फ कमर ही दिखाऊंगा। उसको पता था पूरा नहीं देख सकते। और लोग जो बड़े बड़े शोर करने वाले थे ना, हम डायरेक्ट खुदा से, तू बात करता है हम नहीं कर सकते, तू खुदा से मिल सकता है हम नहीं मिल सकते, तू खुदा से डायरेक्ट कलाम ले सकता हम नहीं ले सकते, खुदा ने कहा ले आ इनको भी, मैं नजारा दिखाई दूं। खरूज की किताब 19 बाब पढ़िएगा, सबको इकट्ठा किया पहाड़ के सामने, तो जब खुदा आया ना, तो लोग चीख उठे, नहीं खादम नहीं, खादम नहीं, खादम नहीं, नबी नहीं, नबी नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट। जब खुदा आया ना, तो लोगों के होश उड़ गए, उन्होंने कहा मूसा, नबी कहते हैं, ब्रदर बैनम कहते हैं, लोगों ने कहा मूसा तू ही हमसे बोल, खुदा ना बोले, क्योंकि खुदा डायरेक्ट बोलेगा तो हम मर जाएंगे, तू ही हमसे बोल ले, तू ही हमसे बोल ले। तो ये लोगों को नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखे खुदावंत के कलाम में क्या लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है
बारहवीं जो हमने पढ़ी है, और अगर तुम बेगाना माल में, अब वापिस आ जाते हैं, ये पिछले हफ्ते की बात है, एक भाई ने यहाँ पे गली में खुदकुशी कर ली, हमारी गली में आगे थोड़ा, काफ़ी लोगों को पता है यहाँ पे, मुझे भी पता है। तो वो एक दो मर्तबा आया मेरे पास दुआ कराने भी, वो लड़का है नौजवान, पता नहीं 25-30 साल इसमें बीच बीच में होगा, आई डोंट नो। एक बेटा, दो बेटियाँ हैं उसकी, हाँ ठीक है, तीन बच्चे छोटे छोटे, यंग, खुद भी जवान, बीवी भी जवान, और पता नहीं लड़ाई हुई मियाँ बीवी की। ये मियाँ बीवी की लड़ाई बड़ी डेंजरस होती है, ये जंग से भी डेंजरस होती है, जंग में भी बच्चा बंदा बच जाता है, इसमें मर ही जाता है। ये बचो इसे, लड़ाई हुई है उनकी, और रात को शोर ने अंदर जाकर सुसाइड कर लिया, अपने आप को फांसी दे दी है। छोटे छोटे बच्चे हैं और बीवी बाहर सोई हुई है। ओ भाई, दरवाज़ा बंद है, सुना मैंने दरवाजे को लॉक लगा हुआ था, बाद में बीवी ने खोला, लेकिन बड़ी लेट खोला है। मैं कहता हूँ 10 मिनट से ज़्यादा शोर से दूर ना रहें, खतरा है आजकल, अगर नाराज होकर बाहर भी निकल जाए दरवाजे के अंदर तो फटाफट जाए, आजकल के शोर बड़े कमजोर आ रहे हैं। तो खतरा है, फटाफट जाए। वो भाई ने अपनी जान तो दे दी, क्योंकि वो खुदा से दूर था, उसको पता नहीं है मेरी रूह मेरी नहीं है, मेरा बदन मेरा नहीं है, ये बेगाना माल है, और जो बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरा, हकीकी जिंदगी उसके हवाले कौन करेगा, कौन करेगा? ये हमारी रूह हमारी नहीं है, हमारी बॉडी हमारी नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तुम यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हो, रूह खुदा ने दी है, हमारा है नहीं है, और ये बेगाना माल है। इसके बाद हकीकी माल भी है, जिसको कहते हैं इटर्नल लाइफ। तो इसमें दयानादार ठहरे, फिर अपनी जिंदगी मिलेगी। क्या लिखा हुआ है, जान देने तक वफादार रह, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का, ये है असल माल आपका। तो ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं, अच्छा रहनुमा नहीं। शुक्र करें खुदा ने अगर आपको अच्छा रहनुमा दिया है, शुक्र करें खुदा ने आपको अच्छा चर्च दिया है, शुक्र करें खुदा ने आपको अच्छा नबी दिया है, शुक्र करें खुदा ने आपको सच्चाई का कलाम दिया है, शुक्र करें खुदा ने आपको पाकरू का मस्सा दिया है। शुक्र करें, शुक्र करें। कईयों का तो सर मुंह ऐसे ही सूजे रहते हैं, शादी पे बुलाओ, सब बेस्ट, खाना बेस्ट तैयार करवा दिया, टेंट बेस्ट लगवा दिए, कुर्सियां वीआईपी लगवा दी, और सब वीआईपी कर दिया, फिर भी किसी ना किसी का मुंह सूजा ही होता है। ऐसे ही यहां पर सब कुछ बेस्ट होता है, फिर भी कईयों के मुंह सूजे होते हैं, उनका कोई हल नहीं है, उनका कोई हल नहीं है, उनका कोई हल नहीं है। जब तुम बेगाना के माल में दयानतदार न ठहरे, तुम्हारा जो अपना है वो कौन तुम्हारे हवाले करेगा? तो मैंने कहा, नॉलेज से इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी तरक्की नहीं है। या एक शख्स का जिक्र है जिसको कहा गया है बददयानतदार नौकर, ठीक है, लेकिन उसकी तारीफ की गई है यहां पे, उस शख्स की तारीफ की गई है यहां पर, खुदावंद यीशु मसीह ने उस मुख्तार की तारीफ की गई है। क्यों? क्योंकि उसने नॉलेज से काम नहीं लिया, सुन लीजिएगा,
जो बड़ी फड़े मारते हैं ना, मुझे ये पता, मुझे वो पता, तू पता अपना जेब में रख। तेरे एक्शन, तेरा काम, तेरी तरक्की, तेरी टॉकिंग, तेरी वॉकिंग, तेरी ड्रेसिंग, तेरा चलना फिरना, तेरा खाना पीना, उठना बैठना, तेरा बात करना, तेरा बिहेवियर बताएगा। नॉलेज नहीं। क्यों तारीफ की गई? नंबर वन, नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन इसके बाद तीसरी चीज है तरक्की के लिए, आप नॉलेज हासिल कर ले। कई लोग डबल एम ए करके ना तो फारिग घूम रहे हैं, नॉलेज तो बहुत है ना। बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे, लेकिन बेचारे बेकार हैं। नॉलेज तो है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के बाद एक और चीज है, जब तक वो नहीं आती तरक्की नहीं है। नॉलेज के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद एक और चीज है, क्या आप सबको समझ लग रही है? अपने लिए तालियां बजाएं। एक मिनट, अपने लिए बोला है आपको तालियां बजाए तो अपने लिए तो सही बजाया करें, अपने लिए जोर से बजाया करें। थैंक यू। अपने लिए जरा जोर से ताली बजाया करें, डर डर के नहीं बजाया करें। तो तीसरी चीज जब तक नहीं आती उसको कहते हैं विजडम। क्या कहते हैं? विजडम, अकल। नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, तो अकल नहीं है ना। अकल और नॉलेज में फर्क होता है, ये मैं आपको बता दूं। कई लोग, ओए इसको सब पता, बड़ा अकलमंद, ओए तू गलत बोल रहा, अकलमंद नहीं है, नॉलेज है इसके पास। अकलमंद बंदा वो होता है जो अपना भी फायदा करता है, दूसरों का भी। और सिर्फ नॉलेज वाला अपना भी सत्यानाश करता है और दूसरों का भी सत्यानाश ही करता है। ये खाली नॉलेज वाले की पहचान है। समझ लग गया आपको? कि नॉलेज वाला बंदा जो होता है वो उस नॉलेज को नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल करता है, अपने लिए भी तबाही लाता है, दुनिया के लिए भी तबाही लाता है, लेकिन अकलमंद अपने लिए भी बरकत लाता है, आसानियां लाता है, और दूसरों के लिए भी आसानियां लाता है। ये फर्क है। इसीलिए नॉलेज पर फख्र करने की जरूरत नहीं है, विजडम पर फख्र करने की जरूरत है। तो विजडम थी इसके पास, इसके पास विजडम। और दूसरे शब्दों में विजडम कहते हैं इंप्लीमेंट को, अप्लाई करना। या सप्लाई कर रहे हैं, धड़ 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 धड़, ओए तुझे नहीं पता ये बात है, तुझे नहीं पता वो, तू खुद अमल किया तूने। पहले अप्लाई फिर सप्लाई, पहले अप्लाई फिर सप्लाई। एक बहन ने बहुत मेकअप किया हो, बाल कटे हो, गंदा कपड़ा पहना हो, बेया लबास पहना हो, और दूसरा, नहीं नहीं गंदे कपड़े नहीं पहने। ओ बहन अपने ऊपर फिट कर ले, अपने ऊपर कर ले, दूसरों को मत बता, तू खुद सुर्खी लगा के इबादत में आती है। दूसरे, नहीं नहीं इबादत में सादा जाना चाहिए, तो पहले अपने ऊपर अप्लाई कर ले। तेरे पास नॉलेज है, विजडम नहीं है। जिसके पास विजडम है वो अपना भी भला करेगा, वो दूसरों का भी भला करेगा। और अगर हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, तो हम नॉलेज से चल रहे हैं। इस शख्स ने बेशक दुनियादार था, यहां यसु मसीह ने कहा है दुनियादार ज्यादा होशियार है। तुम कहां बैठे हुए हो? और होशियार तो हम में भी बहुत हैं, मगर दुनियादार मामले में, रूहानियत में ठंडे हैं। दुनियादार, मैं बताता हूं थोड़ा, अभी समझ लगेगी। यहां आकर हमसे नारे नहीं लगते, आमीन नहीं कहा जाता, लेकिन दुनियादारी के काम में जाकर डांस पार्टी में डांस किया जाता है। वे दुनियादारी के मामले में तू बहुत तेज है, खुदा की हजूरी में ठंडा। वहां भंगड़े हैं, होते नहीं होते, सब कुछ जबरदस्त चल रहा है दुनियादारी के मामले में। यहां पर नई नया कपड़ा, नई जूती, नई गाड़ी, सब कुछ नया, वहां इतना पैसा देना है वरना भेज। अरे दुनियादारी के मामले में बहुत होशियार हो, चंदे के मामले में कितने होशियार हो। कई तो, कई उन तो कसम खा लिया, देना ही नहीं, जो मर्जी कर लो। रिकॉर्ड तो मेरे पास है उनका, ऊपर भी है। समझ लग रही है आपको?
है ना कई लोग, तो दुनियादारी के मामलात में देखो जाके सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग प्रोवाइड हो जाती है। यहां पर लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए, दसवीं आयत अबल के नौवीं तो पढ़ दिए, दसवीं, जो थोड़े में दयानादार है वो बहुत में भी दयानादार है, और जो थोड़े में बद दयानत है वो बहुत में भी बद दयानत है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुम्हारे स्पुर्द कौन करेगा, और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने ऊपर आठवीं आयत में कहा है, बड़ी जबरदस्त बात है यहां पे, और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार। नूर के फर्जंदों से ज्यादा दुनियादार लोग होशियार हैं दुनियावी मामलात में, दुनियादारी के मामलात में बहुत होशियार हैं, कुछ भी करना पड़ जाए करेंगे, लेकिन रूहानी मामलात में बहुत ढीले हैं। तो नूर के फर्जंद जो हैं उन्हें अकलमंद, यहां पे लफ्ज जो आया है वो है विजडम, वाइज विजडम, कि इस शख्स के पास विजडम थी। अब होता क्या है, हम लोग जो है क्यों पीछे हैं, हम सिर्फ सोचते रहते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी ले लेते हैं, फिर भी सोचते रहते हैं, करूं ना करूं। मैं जब हाईवे पे जाता हूं ना, स्मृतवा भी गया, जब हाईवे पे जाता हूं तो सबसे ज्यादा हाईवे पे एक्सीडेंट जो होता है वो कुत्ते का होता है, बिल्ली का नहीं होता, लोमड़ी का नहीं होता, शेर का नहीं होता, चीते का नहीं होता, किसका होता है, कुत्ता, डॉग जो होता है। हाईवे पे बहुत कुत्ते मरे हुए मिलते हैं मुझे, मैं पहले भी देखा, आप भी देखा, क्यों, इस पर मैंने रिसर्च की तो पता चला कुत्ता जो है जब वो सड़क के बीच में आता है ना तो वहां आके डावाडोल हो जाता है, आगे जाऊं पीछे जाऊं, उधर से हॉर्न लगता है गाड़ी का और वो सेंटर में, अब वो इस टेंशन में होता है आगे जाऊं पीछे जाऊं, इतने में गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। हमारा हाल भी यही है, आगे पीछे के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। ओए, या आगे हो जा या पीछे हो जा, या दुनिया में चला जा या यीशु के पास आ जा, ओए आगे पीछे हो जा वरना मौत है। तो डावाडोल, तो सबसे ज्यादा तब कुत्ते की बिल्ली होशियार है, वो आगे पीछे हो जाती है, वो बहुत कम मिलती है, लेकिन ज्यादा डॉग मिलते हैं। तो हम लोग बाज़ औकात नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन विजडम की कमी होने की वजह से फैसले नहीं कर पाते। जब आपसे कोई फैसला ना हो पा रहा हो तो समझ लेना अकल की बड़ी कमी है। अकलमंद लोग फैसला करते हैं और नॉलेज वाले डावाडोल रहते हैं, और प्रॉब्लम क्या है, कई मरतबा हम ठीक होते हैं मगर इधर उधर के चक्कर में रुल जाते हैं। अपना फैसला खुद करना है ना, बपतिस्मा लेना है मैंने फैसला करना है, दुनिया ने करना है, तौबा करनी है मैंने फैसला करना है, दुनिया ने करनी है, दया यकी देनी है मैंने फैसला करना है, दुनिया ने करना है। हम इनसे पूछ दे, उससे पूछ, तू नॉलेज में है। यहां पर इस शख्स ने बेशक दुनियादार था लेकिन इसमें विजडम थी, इसने अप्लाई किया मेथड और उसकी वजह से ये कामयाब हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, बेगाना माल में दयानतदार ठहरना, बेगाना माल में नंबर वन, मैंने बहुत बड़ी मिसाल दी आपको कि ये बेगाना माल है, रूह बेगाना है, ये रूहानी तौर पर बात करो, आप जिस्मानी तौर पर थोड़ी बात करते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, किराए वाले घर में रहते हैं, स्विच टूट गया दूसरा भी तोड़ो, हमारा कौन सा अपना है, थोड़ो डीमर खराब, डीमर नहीं लगाना डायरेक्ट करो, हमारा कौन सा अपना है, पेंट उतर गया छोड़, दरवाजा टूट गया छोड़ दे, पंखा जल गया दूसरा भी जला दे। ओए तुझे पता नहीं तू कर क्या रहा है,
कई लोगों को घर किराए पे दो, अच्छा खासा साफ सुथरा, इतना गंदा करके देते हैं बाद में पहचानना मुश्किल हो जाता है हमारे घर है। तुम इतने गंदे लोग, बेगाना के माल में दयानदार नहीं, तुम्हारा अपना तुम्हें कौन देगा सर? यही बात है, मैं आपको बता रहा हूं, यही बात है, यही लिखा हुआ है। बहुत होशियार बनते हैं आजकल के लोग, चल चल छोड़ अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी रहने दे, उसकी ले ले, चल टूटेगी फूटेगी पंचर होगी लाके खड़ी कर देंगे, पेट्रोल खत्म होगा हमें। ओए तुझे पता नहीं तू कर क्या रहा है, तुझे किसी की मोटरसाइकिल लेके उसमें दयानतदार नहीं है, उसका ख्याल नहीं कर रहा, खड्डों में मार रहा है, कांटों पे चला रहा है, पेट्रोल खत्म भी हो गया तो नहीं डालना, चल खड़ी कर दे, तुझे अपनी कौन देगा? बेगाना के माल में दयानतदार नहीं ठहरा तो अपना कौन दे? अब ये बाइबल की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। बाजुकात हम बहुत बुरा शादियों में चले जाए ना, वहाँ पता है ऐसी थोड़ी पकवाया है, अद्धा खाओ अद्धा सुठो, ओए तुझे ऊपर पकड़ा जाएगा, तू एक प्लेट लेकर आए बोटियां खाली चावल उधर, ओ बेगाना के माल में दयानतदार बन जा, तुझे अपना भी मिलेगा। कितने कितना खाना जाया होता है, तो करना क्या चाहिए एज ए मसीह होते हुए, हमें बेगाना के माल में भी दयानतदार रहना है। वहां जाके खाना उतना लेना है जितना खाना है, जाया नहीं करना है। और अगर हम बेगाना के माल में दयानतदार नहीं है तो हमारा अपना नहीं मिलेगा, नहीं तरक्की करेंगे। किसी की गाड़ी ले गए बहुत बुरा हाल करते हैं, किसी के कपड़े ले गए बहुत बुरा हाल करते हैं, किसी की जूती बहुत बुरा हाल करते हैं। किसी की चीज लेकर जाएं तो उसको ऐसे रखें जैसे मेरी अपनी है, फिर आपको बरकत मिलेगी। एक और बात बताऊं, काम पे जाते हैं 9 to 5 जॉब करते हैं ना 9 to 5, ठीक है 9 to 5 जॉब करते हैं, और उसमें भी कई लोग मौके ढूंढ रहे होते हैं। मैं जरा दुआ कर रहा हूं, मैं जरा बाइबल पढ़ लूं। ओए तू बाइबल पढ़ के भी तुझे समझ नहीं लगी, वो तेरा टाइम नहीं है, उसमें बाइबल नहीं पढ़नी वरना सवाब नहीं मिलेगा। बड़ी बारीक बात कर रहा हूं कि 9 to 5 वो बेगाना का माल है, वो ड्यूटी वालों का माल है, और कई लोग उसमें सिर्फ टाइम पास करते हैं। चाय कभी पी ली, कभी पानी की प्यास लग गई, कभी क्या। यीशु मसीह ने कहा है जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। दयानतदार बन जाए। बेगाना के माल में वो आपके ओनर का टाइम है सर। मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं कि उसके टाइम में अगर बाइबल भी पढ़ी तो बरकत नहीं मिलेगी। अपने टाइम में बाइबल पढ़ो फिर बरकत मिलेगी, अपने टाइम में दुआ करो फिर बरकत मिलेगी, अपने टाइम में आप गीत गाओ फिर बरकत मिलेगी, अपने टाइम में बेगाना के माल में दयानतदार बनो। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो 6 दिन उसके हैं, बेगाना के हैं, 7वां दिन हमें खुदा ने इबादत के लिए दिया है। दयानतदारी, अब ये बात याद रख लें, बरकत आपके मालिक ने नहीं देनी, बरकत मालिकों के मालिक ने देनी है। हमारा ध्यान, ओए मालिक बड़ा खराब है, ये क्या करें, ये तो काम ही कराता रहता है, उसका टाइम है काम ना कराए तो, और तेन कुठे आपको दबाने के लिए बुलाया है, चल आजा आजा, तुझे नौकरी पिछले रखा है, तू बहुत थक जाता है रात को सो सो के। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो पूरा हफ्ता काम नहीं ना करता, जो पूरा हफ्ता फारिग होता है इतवार को भी उसके पास टाइम नहीं होता है। जो पूरा हफ्ता फारिग, इतवार को भी वो उसके पास पूरा हफ्ता काम काज कोई भी नहीं है, इतवार को बोले इबादत भी नहीं, मैं बिजी था, वो पूरे हफ्ते की हिस्ट्री चेक करो ना उसकी, पूरा हफ्ते ही वेला। तो तुझे नौकरी पे आजकल लोग चाहते मुझे नौकरी पे रखो, मुझे दबाओ, ओ भाई ऐसा नहीं है।
ये बेगाना का माल है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसमें दयानतदार नहीं ठहरे तो हमारा अपना हमारे हवाले, जो कैसर का मेरे, जब यसुम सिंह ने कह दिया कैसर को दो, मुझे नहीं चाहिए उसका टाइम। खुदावन मैं, तुझे तो पता ही है ना, मैं तेरे लिए एक घंटा चोरी करके दुआ कर रहा हूं। ओए तुझे मैंने कब बोला? खुदावन एक टाइम मिलते नहीं, दुआ का टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने यहाँ काम से थोड़ा बहाना बुना बना के मैं एक घंटा दुआ करूंगा, और खुदा कह रहा तेरी दुआ बेफायदा, ऐसी दुआ को मैं नहीं सुनता। इस दुआ से बेहतर है कि तू दयानतदारी से अपने मालिक की खिदमत कर, और बाइबल कहती है इस तरह करो जैसे खुदावंद की खिदमत करते हो। अब क्रिश्चियन देखे किस, हमारी प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तानी कौम की हालत यह है, काम करने को तो दिल ही नहीं करता। घरों में बच्चियां 16, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 की हो जाती हैं, अभी तक रोटी बनानी नहीं आई, अभी तक बर्तन धोने नहीं आए, बड़ा देश का मांझना नहीं आता, छोटे छोटे, माँ भी पता क्या कहती है, अले बच्ची है वो, ये 50 साल की हो जाएगी, माँ के लिए तो फिर भी बच्ची रहनी है, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, इनको काम की आदत डालो, काम की आदत डालो, जो मालिक का है उसमें वफादारी करेंगे तो हकीकी मालिक हमें बरकत देगा। आप मिस्त्री मजदूर लगा लो, आप ही गायब हो जाओ, इतनी दयानतदारी ना काम कर देने, इतनी दयानतदारी से सलूट है, काम ही खराब होता है जब आते हैं। सर ये क्या, बस ठीक है पादरी साहब, तो अनु की पता ठीक है, दयानतदारी नहीं है सर, दयानतदारी बहुत जरूरी है। मेरी मैडम मुझे बताती है लंदन के अंदर, कह रही है हम घर के अंदर माली जो होता है उसको चाबी दी हुई है, सफाई करने वाली को चाबी, घर पे कोई भी नहीं होता, लेकिन इतनी दयानतदारी से काम करके जाते हैं कि जब बाद में आते हैं तो एक चीज भी इधर उधर नहीं होती, तो मालिक बरकत देगा। हालांकि वहां बहुत ज्यादा रूहानी लोग नहीं है, लेकिन तरक्की देख ले, बरकत तो आई है ना। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, और बाइबल मुकद्दस में एक और बात भी लिखी हुई है कि बेगाना के माल का लालच भी नहीं करना, पड़ोसी के माल का, बेगाना का माल का लाल, अंगूठी पई हुई लगता डेढ़ तोले दिए, कोई नहीं देख रहा, गायब उधर से गायब कर ले तो इधर आके तो निकल आएगी, खुदा तो देख रहे हैं ना। बेगाना के माल का लालच भी नहीं करना है। और हमारी प्रॉब्लम क्या, अभी दिखाऊं, अभी सबको नजर आएगा अपना अपना चेहरा, मुझे भी आएगा, सबको आएगा, हमारी प्रॉब्लम ही ये है, हम लालच ही बेगाना के माल का करते हैं। मुझे बताए पड़ोसियों के घर में 32 इंच का टीवी आ जाए तो अंदर लालच आता, हमारे घर में क्यों नहीं, या इन्हों का भी टूट जाए या साढ़ा है। बीवी शोर को कहते देख सबसे बड़ा फ्रिज ले आए, सबसे हैवी साइज का पड़ोसी, तो ये क्या है, छोड़ दे उसके घर में, कल नो कट्टा ले आएगा तुझे भी ले आओगे, कुत्ता ले गया वो भी ले आओगे, छोड़ दो यार। हम क्या देखो देखो तुम देखो, उन्होंने इतनी 3 मंजिले बना ली है और तुम अभी तक वो, छोड़ दो, यही लालच है, यही आप समझ लगी आपको, ये मैं सादे लफ्जों में मैं जो बात बताता हूँ ना वो बंदे के जेहन में बैठती है, इतनी सादगी से मैं बताता हूँ कि हर बंदा समझ जाता है। ये बेगाना का, बेगाना के माल का लालच, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, बेगाना के माल के लालच है। गरीब की बीवी लड़ रही होती है तो उसी पता नहीं कितने कितने लहन दे क्यों मेरे ना ब्याह कर ले, वो तुझे ये वो है, लटन बटन पंखा नहीं ला सकते, साथ वालों ने एसी, ओ तू लालच ना का, जिसमें है ना उसमें शुक्रगुजारी कर और दयानतदारी कर। खुदा तेरे लिए भी खुदा ने रखा हुआ है, ऐसा नहीं आपके लिए नहीं रखा हुआ, खुदा ने आपको इक्वल बनाकर भेजा है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बेगाना के माल का लालच,
नहीं करना है, कुछ भी लाओ, जो मर्जी लाओ, हम पर कोई असर नहीं पड़ता सर। तुम भले जो मर्जी लाओ, हम पर कोई असर नहीं पड़ता, हम वही लाएंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस शख्स ने क्या की, विजडम का इस्तेमाल किया और ये क्या हुआ, कामयाब हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉलेज इकट्ठा ना करें, नॉलेज सिर्फ इकट्ठा ना करें, इंप्लीमेंट आप अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें। हम लोग क्यों नहीं तरक्की कर रहे, कि हम अप्लाई नहीं कर रहे अपने ऊपर। हम जो कलाम सुनते हैं उसको अपने ऊपर क्या करें, अप्लाई करें, और जब अपने ऊपर अप्लाई करेंगे 100% हमें बरकत मिलेगी और तरक्की। क्योंकि खुदा ने, मैंने आपको बताया ना, खुदा ने क्या बनाकर भेजा है, इक्वल, अमीर। खुदा ने आपको इक्वल बना के भेजा है, खुदा ने आपके अंदर वही चीजें रखी हैं जो एक अमीर। मुझे बता, टाइम खुदा ने अमीरों को 25 घंटे दिए, आपको 24 दिए हैं, बराबर है ना, उनको भी 20 दिए, 24 दिए, आपको भी 24 दिए हैं। फर्क क्या है, फर्क पता क्या है, हम सिर्फ सोचते हैं और वो अमल करते हैं। हम सोचते हैं इसको छोड़ू ना छोड़ू, इसको छोड़ू ना छोड़ू, इसको छोड़ू ना छोड़ू, 10 दफा सोचते हैं, वो एक दफा सोचते हैं, दूसरी दफा अमल कर लेते हैं, इसलिए कामयाब है। हम बार बार डावाडोल रहते हैं, और आपको पता है खुशकिस्मती क्या होती है, पता है खुशकिस्मती क्या होती है, खुशकिस्मती आखिरी बात करने लगा हूं, वो फिर भाई लोग कहते हैं, बहने कहते हैं, आखिरी बात भी आधे घंटे की होती है, लेकिन नहीं, आखिरी बात एक दो मिनट में खत्म। अगर कोई आगे चीज तो बता देंगे, क्यों जी, नहीं तो खत्म। खुशकिस्मती क्या होती है, जो यार वो बड़ा खुशकिस्मत है, यार वो बड़ा खुश है। अभी मैंने एक नया जवाब भी ढूंढा है, कल परसों वो बताता हूं मैं आपको, आपके भी काम आएगा। मैंने नया जवाब ढूंढा है कि मैं कुछ पुराने अजीजों से मिलता हूं तो वो कहते हैं, भाई आप तो बड़े लोग हो गए हैं, अक्सर ये कहते हैं ना। और नहीं, पादी साहब तो बड़े लोग हो गए ना, आप लोग भी कहते होंगे, कईयों के दिल में आता होगा, आपको भी कहते होंगे कभी कभी मिले तो। मसरूफियत को नहीं लोग देखते, जिम्मेदारी को नहीं देखते। मुझे बताओ, जब आप एक बच्चा होता है, जब आपका एक बच्चा होता है तो जिम्मेदारी कम होती है, जिदे 10 हो और जिसके 100 हो। आप ये चीजें कोई नहीं सोचता, जिसके 10 बच्चे हो ना, वो बाप को होश को नहीं आती, वो बेचारा कमा कमा के बाद कभी इसको सेट कर ले, कभी इधर रोना ठीक कर ले, कभी उधर रोना ठीक कर ले, कभी इसको ये ले दे, कभी उसको ये ले दे, कभी उसको, वो ऐसी चक्करों में रहता है। आप समझ लगे आपको, तो मुझे कहते हैं बड़े लोग हो गए हैं। मैंने जवाब, पाकरू ने मेरे दिल में बात एक डाली, मैं अपनी मिसी से आकर शेयर की, मुझे जवाब मिल गया। अब जो भी कहेगा बड़े लोग हो गए हैं, तो जवाब आएगा खुदा का शुक्र है। जब भी कोई बोले पादी साहब बड़े लोग हो गए हैं, जवाब ये देना है खुदा का, और मैं कहता हूं बड़ा नहीं बिना जो, वो भी बड़ा बन जाएगा, क्योंकि शुक्र करने से इंसान बड़ा बनता है, शुक्र करने से, शुक्र गुजारी करने से। मैंने कहा क्या जवाब दिया है, क्या जवाब दिया, थैंक यू लॉर्ड। मुझे फार्मूला ही समझ, ये है पॉजिटिव सोच। अरे मैंने कहा ये तो अच्छा, जब मैं कहता हूं ना, नहीं नहीं थोड़े वर्ग ही, नहीं नहीं थोड़े वर्ग ही, नहीं नहीं मैं क्या मैं उन्होंने वर्ग ही रहूंगा, नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना, यही कहना है खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है मैं बड़ा हूं, खुदा ने बड़ा बनाया है। तो खुदा जिसको बड़ा बनाना चाहता है ना, वो भले तन से बोलें जैसे मर्जी बोलें, लेकिन आप बड़े बन जाएंगे। क्या सब कहेंगे आमीन? तो ये मैं आपको भी बता रहा हूं फार्मूला, आज के बाद इस्तेमाल करें, अपने ऊपर अप्लाई करें, आप बड़े लोग बनेंगे। क्या सब कहेंगे आमीन? सब कहेंगे हालेलुया। खुशकिस्मती क्या है, साढ़े ते लाती, मैं आपको बताता हूं, लोहा, लोहा इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको डाला जाता है, और जब तक लोहा गर्म ना हो वो कुछ बन नहीं सकता है।
जिस पर मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत, अरे तू सही ताया जा रहा है, तू सही ताया जा रहा है। और तू जो बनेगा, तू जो बनेगा दुनिया देखेगी, तुझे बनाया जा रहा है। बेदिल मत होना, खुदा के लोगों पर कोई भी चीज मुंह उठा के नहीं आ सकती, उसे परमिशन लेकर आती है। अय्यूब पर शैतान परमिशन लेकर है नहीं आया, तो आप पर ऐसे खुदा छोड़ देगा? बस ध्यानदार बंदा होना चाहिए, ध्यानदार होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं तालीम पा रहा था, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं पास्टर बिन्यामिन साहब सेमिनरी में, तो उस वक्त मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, इनको भी पता है हफ्ते का पता नहीं कितना सौ 45 रुपए मिलते थे, और उसमें से भी मैं दही यकीन निकालता था। जब मैं खादम बना तो सब बड़े पादरियों का, पूरे पादरियों सबको बुलाया गया और रिकॉर्ड निकाला गया कि इस साल सबसे दयानतदारी से किसने दही यकी दी है, तो आपके खादम का नाम निकला। जो थोड़े में दयानतदार है, तो आज मैं बोलूंगा ना शुक्र है उसने बड़ा आदमी मुझे बना दिया है, मेरा नाम निकला। खुशकिस्मती पता किसको कहते हैं? और खुशकिस्मती से फायदा कौन से लोग नहीं उठाते? अभी आप बैठे हैं ना, आपका दरवाजा ये खुशकिस्मती खटखटा रही है। कलाम 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 से बड़ी को खुशकिस्मती है? बाइबल से बड़ी को खुशकिस्मती है? तो ये आपका दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन जो इसको, क्या मैं बताता हूं, जो इसको डावा डोल हो जाता, टालम टोल करता है, मानू ना मानू, मानू ना मानू, मानू ना मानू, खुशकिस्मती कहती है तू अंदर ही रह, मैं किसी और को चली गया। आप पकड़ लेना, आप मेरी बात बड़ी बारीक है समझ लेना। कितना कलाम सुनाया है, आज भी कई बहनें बपतिस्मा लेकर भी मेकअप कर रही हैं, तो तुझ पे खुशकिस्मती कहां से आएगी? तेरी तो बहार खत्म हो गई, इसलिए तो आर्टिफिशियल लगाई हुई है। कई भाइयों का ये हाल है, कई भाइयों का ये हाल है। खुशकिस्मती जब दरवाजा खटखट खटखट आती है, नॉकिंग करती है, खुशकिस्मती जब आती है वो दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खटखटाती है, और जो नहीं खोलता वो आगे चली जाती है। आगे जो खोल लेता है वो तरक्की कर जाता है। ये है खुशकिस्मती। और हर इतवार को आपका दरवाजा तो खुशकिस्मती खटखटाती है, हर इतवार को खुदा का पाखरू आपका दरवाजा खटखटाता है, और जो खोल लेता है वो बच जाता है, उसके सिगरेट छूट जाते हैं, शराब छूट जाती है, सनाकारी छूट जाती है, हरामकारी छूट जाती है, गरीबी चली जाती है, बरकत आ जाती है। और जो डावाडोल रहते हैं उन पर कभी बाहर नहीं आती है। एक मर्तबा इब्राहिम के पास खुशकिस्मती आई, एक मर्तबा, क्योंकि इब्राहिम थोड़े में दयानतदार था, वो ज्यादा में भी दयानतदार रहा। इब्राहिम को देखे, जब वादा किया तेरे बेटा होगा, एक साल गुजर गया वो डावाडोल नहीं हुआ, या एक साल बंदे को शिफा ना मिले तो 100 चर्च में घूम लेता है। दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, कितने बोलो जरा, सब बोले 25 साल। जिड्डे प्रेम ना तुसी बोले हो ना, एड्डे प्रेम ना अगर बच्चा मां तो दूध मंगे कदी नहीं मिलेगा, या मिल जाएगा? मिल जाएगा? अच्छा जरा हंस के तो दिखाएं, हंस के दिखाएं। हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं। तो इतना ठंडा नहीं, कितने साल? फिर बोलो 25 साल। अभी भी ठीक नहीं है 25 साल, अभी भी ठीक नहीं 25 साल। वेरी गुड, 25 साल तक दयानतदार रहा। जो थोड़े में दयानतदार है, थोड़े में क्या, उसके पास तो पल्ले ही कुछ नहीं, बच्चा है ही को नहीं था, फिर भी दयानतदार रहा। 25 साल तक दयानतदार रहा, तो फिर खुशकिस्मती आई।
खुदा खुद उतर के आ गया सर, खुशकिस्मती क्या चीज है, उसका खालिक मालिक उतर के आ गया। अरे इसको तो देना ही पड़ेगा, इतना दयानदार बंदा है, अब इसको देना ही पड़ेगा। नीचे आ गया, इब्राहिम को पता चल गया, अरे आज खुशकिस्मती मेरे दरवाजे पर आ गई है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे वो आगे बढ़ा बढ़कर गया और जाकर सिजदा किया और कहा सर मेरे घर पर आए ना, मेरे घर पर आए। कईयों के घर पे सीधा खुदा आता है, कईयों के घर में सिर्फ फरिश्ते आते हैं और कईयों के घर में बदरूहें आती हैं। सब कुछ आता है, जो रंग बिरंगे खादमों को घुसेड़ते हैं ना वो बदरूहें भी लेकर आते हैं। इब्राहिम 25 साल में किसी पादरी के पास नहीं गया, कमॉन 25 साल में उसने कहा ओ 25 साल जिसने मुझसे बात की है, जिस कलाम ने मुझसे बात की है वही कलाम एंड तक मुझे साथ लेकर चलेगा, वही कलाम मेरी दुआ को सुनेगा, वही दुआ वही कलाम मुझे बेटा देगा। 25 साल तक नहीं मुड़ा, या तो 6-6 महीने बाद पादरी बदलते हैं। आप क्या समझते हो, जैसी संगत वैसी रंगत। बद दयानतदार लोगों में बैठोगे तो बद दयानतदार बनोगे, चोरों में बैठोगे चोर बनोगे, डाकू में बैठोगे डाकू बनोगे, ईमानदार लोगों में बैठोगे ईमानदार बनोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इस भाई के बारे में सोच रहा जिसने खुदकुशी की थी, मैं सोच रहा था, मैंने कहा क्यों की है, मैंने कहा ज़रूर ये ऐसे लोगों के साथ बैठता होगा जो गलत गाइड करते होंगे। औरत ऐसे लोगों के साथ बैठती होगी जो गलत गाइड करते होंगे। जैसी संगत वैसी, इसीलिए आज ही उस संगत को छोड़ दे जो नेगेटिविटी लाती है। तो मेरे भाई मेरी बहन, दरवाजा इब्राहिम का खटखटाया, मेरा भी खटखटाया, कई बैठे हुए कईयों का खटखटाया, और हमने तो सिर्फ ऐसे ही किया तो खोल दिया। हमने तो हमें पता था ये ज्यादा देर ठहरता नहीं है, एलोहिम ज्यादा देर नहीं ठहरता, होली स्पिरिट ज्यादा देर नहीं ठहरता। अगर इसकी आवाज को लबैक ना कहा, इसकी आवाज को कबूल ना किया तो ये किसी और पर ठहर जाएगा। हमने जैसे कलाम सुना वैसे कहा आमीन। और नबी कहते हैं दुल्हन कलाम के हर लफ्ज पर आमीन कहती है। तो सर खुशकिस्मती इसको कहते हैं, आप समझ लग गई है, आप के लिए भी है सबके लिए है दरवाजा। आपने अगर टाल मटोल किया, कई लोग मुझे याद है पिछले दिनों में एक प्रोग्राम हुआ, उसमें एक बच्ची ने कहा मामा मैंने भी बपतिस्मा लेना है, माँ ने कहा नहीं 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 नहीं, ये जो मरा ना बच्चा मुझे सुनने में पता नहीं सच्चा झूठ है, लड़की की माँ जो है उसको, ये माएँ अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, अच्छी माँ मिली है ना तो उसकी बड़ी खिदमत करें सर, दुआ को मां मिली है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों टाल मटोल ना करें, नबी कहते हैं जब हम टाल मटोल करते हैं तो फिर बरकत किसी और को मिल जाती है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सर को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं।